दोस्तों मेटल के हाल क्या है, वैसे देखा जाए तो ये कंपनियां धंधे में बड़े कंट्रीब्यूटर होती है। धंधा आप देख सकते हो जैसे ऑलमोस्ट 2023 11 लाख करोड़, राइट, तो ये कंट्रीब्यूटर हुआ बिजनेस में। इनको मार्केट कैप कम मिलता है, मार्केट कैप कम मिलने का कारण बिजनेस उनका प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं होना, राइट। 2023 11 लाख करोड़, आपका 10.5% का ग्रोथ हमने 11 साल में देखा। लास्ट टू लास्ट ईयर 56%। दोस्तों गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत था, आप अपने इर्द गिर्द इंफ्रा को बढ़ता देख रहे होंगे, तो उसमें सीमेंट का भी बड़ा रोल है, मेटल का भी बड़ा रोल है, ये दोनों चीजें कंज्यूम होती है। तो इंफ्रा इज अ वेरी गुड सेक्टर, एंड तो विद इन दिस सेक्टर मेटल एंड सीमेंट बोथ आर ग्रोइंग। अभी जो जीडीपी डेटा है उसमें भी दोनों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, तो बिल्कुल नेगेटिव होने का जरूर नहीं है ग्रोथ वाइज, राइट। लास्ट ईयर अभी जो साल खत्म हुआ 14% का ग्रोथ देखा, 12% ग्रोथ करेंगे उम्मीद। मार्जिन देखो तो बड़े वोलेटाइल होते हैं इनके मार्जिन। 2012 7% मार्जिन, राइट, 7%। 2021 कोविड के समय 8.7, कोविड के बाद 13.4। तो ये मार्जिन इनको इसलिए मिले थे क्योंकि वो टाइम पे कॉमोडिटी 2021, 2022, 2023, वैसे ये जो पूरा समय है ये देखे तो मेटल को बरसों बाद इतना तगड़ा ग्रोथ मिला है दोस्तों, राइट। इनके मार्जिन इंप्रूव हुए 2022 में काफी हद तक, राइट। इतने मार्जिन मेटल में कभी नहीं देखे गए क्योंकि इतना स्पेंडिंग भी इंडिया में कभी नहीं देखा गया, अभी आप लोगों ने देखा है, राइट, इसकी इफेक्ट मार्जिन। आप लोगों ने इसी वजह से देखा कि कंपनीज लाइफ टाइम हाई पे आ गई, टाटा स्टील 15 साल बाद पहली बार चली, जस्ट इमेजिन व्हाई, इंडिया में डिमांड इंफ्रा की खड़ी हुई है, राइट। पर इस बार कॉमोडिटी इन्फ्लेशन ने वापस इन लोगों को दोस्तों मारा, 13 के मार्जिन 5 आ गए और अभी आप देख रहे हो, राइट, 13 के 5, यानी पिछला साल बहुत बुरा रहा इन लोगों के लिए, काफी मार्जिन टूटे, इसकी इफेक्ट प्रॉफिट में होगी। आप देख सकते हो पिछले 11 साल में प्रॉफिट तो बढ़े ही नहीं है, इतने अच्छे थे, तो इससे समझ में क्या आता है कि मेटल में सेल्स अच्छा रहता है पर मेटल की कंपनियां प्रॉफिट में कंसिस्टेंट नहीं होती है, अचानक झटका लगेगा, प्रॉफिट से लॉस में आ जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा, तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दे सकते हम यहाँ। लास्ट ईयर जब धंधे 50% से बड़े, प्रॉफिट 125% से बड़े, 140%, इस बार देखो जैसे आपके मार्जिन 13% से 5% आ गए, प्रॉफिट कम नहीं बढ़े, पिछले साल से आधे हो गए, -56%। सो इफ यू इन्वेस्ट इन मेटल यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर हाई वोलाटिलिटी, राइट। हम ये बार वापस मार्जिन इंप्रूवमेंट उम्मीद कर रहे हैं, राइट, इस बार भी वापस से अच्छे प्रॉफिट बढ़ेंगे, राइट। कंपनी आपकी कौन सी है यहाँ पे जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो, ऐसी JSW स्टील, राइट, और काफी दूसरी कंपनियां हो सकती है, राइट। मेटल में हम बहुत ज्यादा स्टेक नहीं रखते दोस्तों, देखो कितने वर्षों बाद ये आपका पहली बार ये चला, क्योंकि यही वो समय था जब हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी देखा इंडिया में, राइट। सो पोस्ट कोविड इट वॉज गुड टाइम फॉर मेटल, पर जैसा चला वैसा टूटा, मार्जिन आपके गिरे, बराबर। इफ यू कंपेयर दिस विथ लार्जेस्ट कंपनी, लार्जेस्ट कौन है, टाटा स्टील, कितने साल बाद जिंदगी में पहली बार चली, देखो ये वो टाइम था जब तेजी में ये लोग पिछली बार तेजी में पार्टिसिपेट किए थे, क्यों, क्योंकि तेजी होती है ग्रोथ मिलता है, पर जब मंदी आती है तो ये लोग बुरे फंसते, टाटा स्टील ने जहां से तेजी की थी वहीं आ गया था। सो यू कांट ट्रस्ट कंपनी फ्रॉम मेटल, हम 1-1.5% से ज्यादा इसको दे ही नहीं सकते क्योंकि ठिकाना नहीं है, प्रॉफिट अभी इनका कितना है, जो 2007 में करते थे उतना, बोलो क्या कमा कमा के हम क्या कमाए, कुछ भी नहीं, ये पूरा समय डिविडेंड भी नहीं मिला, क्या करने का, राइट। सो यू कांट होल्ड बिग क्वांटिटी, पर हाँ देश में तेजी आती है मेटल पार्टिसिपेट करता है, ये मत बोलना पीयूष भाई आपने मना किया था, मैं मना इसकी वजह से करता हूं, करो भाई पर कम रखो, बहुत ज्यादा स्टेक ना मत लो, राइट। सिमिलर उम्मीद करेंगे अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे होना चाहिए, हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों JSW स्टील में। सो लेट मी शो यू द चार्ट ऑफ JSW स्टील, सी एटलीस्ट जो हमने उम्मीद किया वैसा रहा, ये समय मेटल के लिए अच्छा नहीं रहा पर टाटा स्टील से तो बहुत आउट परफॉर्मेंस है इनका, राइट, हम इसमें अच्छी उम्मीद करेंगे, हमारा वेटेज यहाँ पे 0.5% जितना हम रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रखते, बराबर, राइट। यू कैन ट्रस्ट सीमेंट कंपनी मोर देन मेटल, राइट। सो कौन से लिखे आपने, विकास कुमार अदानी एंटरप्राइज, राइट, अदानी
देखो अदानी एंटरप्राइज अभी हिंडनबर्ग के हिसाब से धराशायी हुई थी राइट, पर जैसी धराशायी हुई हम रिकवरी भी उम्मीद करेंगे, ब्रेकआउट उम्मीद नहीं करेंगे नियर टर्म में, बराबर है, क्योंकि अभी इनको फंड के प्रॉब्लम होंगे, ये फंड रेज करते थे अच्छा, अभी इनको थोड़ा मिलने में दिक्कत होती है राइट। सो मैं कभी अदानी की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, पर अगेन जैसा मैंने टाटा स्टील में बोला इधर बोलता हूं, देश ग्रोथ करेगा टाटा स्टील ग्रोथ करेगी, वैसे ही अदानी एंटरप्राइज बढ़िया ग्रोथ कर रहे, ग्रोथ में इनको हम कुछ बोल ही नहीं सकते राइट, पर ये हाई डेट बर्डन वाली सब कंपनियां होती है। सो इफ यू आर होल्डिंग, पीओटी दिया है आप ऐड कर सकते हो, चिंता की बात नहीं राइट, पर अदानी में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं रखने का विकास भाई राइट। देन वीएसएसएल वर्तमान देखो ये सारी वो कंपनियां है जो पूरा मेटल ही अभी इतना स्ट्रगलिंग रहता है, तो ऐसे में वीएसएसएल और इन सब कंपनियों में भी क्या होता है, चैलेंजिंग टाइम रहता है, लेकिन योर कंट्री इज ग्रोइंग राइट। नल से जल याद रखो, जिसने सुप्रीम को ग्रोथ दिया, आपकी वर्तमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड को भी बेनिफिट हो सकती है, इतनी क्वालिटी में इतनी उत्तीर्ण नहीं है, तो अगर इसमें पैसा डालेंगे आधा टका डालो सर, इससे ज्यादा नहीं, बराबर है, वॉलेटिलिटी ऐसी देखने को मिलती है, देखा ना आपने, ये लोग जब टूटते हैं तो कुछ नहीं आते इतना, 98 to 17 रुपया। कहिए सर, कहिए। हेलो सर। हाँ जी कहिए कहिए। परिमल सर। हाँ बोलो ना परिमल भाई। इसने अभी ये दिया है सर, क्या बोलते उसको, बोनस दिया, बोनस है। हाँ हाँ वो देखा इधर, ये चार्ट इसलिए दिख रहा है सर। अभी अभी मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसा हाँ। अभी स्टील के अंदर ये स्पेशल स्टील बनाती है जो जो कार के जो ये बनाती है जो लगता है राइट राइट, तो अभी इसको जनरल स्टील कंपनी के साथ हम लोग कंपेयर कर सकेंगे क्या? देखो कर सकते हैं बराबर, क्योंकि जनरल स्टील कंपनी अभी कार के लिए तो बनाती है, पर ये स्पेशल स्टील में ज्यादा फोकस कर रहे हो, टाटा स्टील जेएलडब्ल्यू में अकेला स्पेशल स्टील नहीं है राइट, वो लॉन्ग स्टील प्रोड्यूस करते हैं, काफी चीजें उनके पास होती है बराबर, ये अगर फोकस्ड है खाली ऑटो के रिलेटेड तो ऑटो का ग्रोथ इनको ग्रोथ दे सकता है बराबर, मैनेजमेंट के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता परिमल भाई है ना, तो वो थोड़ा आपको देख लेना पड़ेगा उसको रेगुलर ट्रैक करने का, इनके जो कॉन कॉल होते हैं उसको अटेंड करने के, ताकि मैनेजमेंट क्या कहती है वो भी हमें समझ में आए बराबर। ओके 2.5% इज आई थिंक सो प्रॉपर वेटेज नालको। ओके सर दिस वन अमरजीत जी यही वाले ना, नेशनल एल्यूमिनियम है ना, देखो नेशनल एल्यूमिनियम 10 साल का ग्रोथ यहाँ पे हम देख रहे हैं, इनका 60% का है, जो देखना था वो दिख गया सर, थैंक यू। ओके देखो ग्रोथ एकदम म्यूटेड है बराबर, बिल्कुल अच्छा नहीं है, अभी भी ऐसा ही है, तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगी ये कंपनियों में बराबर। थैंक यू सर। ओके डिस्क्लोजर, दिस अपडेट इज फॉर एजुकेशन पर्पस, वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर।